वेलकम बैक टू एस टू। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास, नया वीडियो लेकर। आज की अकाउंटिंग डेज क्लास में हम जानने वाले हैं, अगर हमें टेलीप्राइम में कैश परचेज की एंट्रीज को पास करना है तो उसे हम कैसे पास करेंगे। कैश परचेज की एंट्रीज को पास करने से पहले ये जान लीजिए कैश परचेज कहते किसे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पीपीटीज बनाई हुई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जानते हैं गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट होता है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। गुड्स की सेल ही फर्म की ग्रोथ डिसाइड करती है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग गुड्स हो सकता है, यानी अगर आप एक दुकान की बात करें, एक शॉप की बात करें, उस शॉप का जो मेन प्रोडक्ट होगा जिसका नियमित रूप से परचेज सेल होता होगा, उस फर्म का, उस शॉप का वही मेन गुड्स होगा। यानी आमतौर पर आप ये कह सकते हैं मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल फोन गुड्स होता है। वो बात और है कि उस मोबाइल फोन की शॉप में चेयर रखी होगी लेकिन वो बेचने के लिए नहीं है, तो चेयर को हम एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन हम बात मोबाइल फोन की करेंगे उसे हम गुड्स कहते हैं। वहीं अगर हम बात दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे जो कंप्यूटर्स बेचता है, उसके लिए मोबाइल फोन क्या होगा, उसके लिए मोबाइल फोन एसेट्स होगा। क्यों? क्योंकि वह बेचने के लिए नहीं है। वो एग्जाम्पल समझा रहा है, दूध ये के लिए दूध गुड्स होता है, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल गुड्स होता है, और बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग होता है। यानी आप ये कह सकते हैं जो भी मेन व्यापारी है उसका जो भी सामान है जिसका वो नियमित परचेज सेल करता है उसे ही हम उसका गुड्स कहते हैं। चलिए ठीक है, गुड्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप व्यापार करना चाहें तो तीन तरीके से कर सकते हैं गुड्स का। पहला, आप मार्केट से कच्चा माल खरीदिए, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कराइए और उसको बेचिए। जो मार्केट से हम कच्चा माल खरीदते हैं उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। वह गुड्स जो कस्टमर के रेडी यूज के लिए रेडी नहीं है, आपने उसको खरीदा, अभी आप उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कस्टमर उसको यूज नहीं कर पाएगा। सेकंड आता है WIP, आपने कस्टम मार्केट से कोई माल खरीदा और आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, लेकिन अभी वह माल पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, उसे हम WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड तीसरा होता है फिनिश गुड्स, जिसको हम कहते हैं कस्टमर के इस्तेमाल के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हैं आमतौर पर कि आपको एक कार बेचनी है, तो आपने मार्केट से टायर्स, स्टेपनी, सारा कुछ अलग अलग खरीद लिया, इसके बाद आप उसकी असेंबलिंग करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी कार बनकर रेडी नहीं हुई। जब वो पूरी कार बनकर रेडी नहीं हुई और अभी तक वो फिनिश गुड्स मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब रॉ मटेरियल में सब कुछ अलग अलग था, आपने उन चीज़ों को आपस में जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी फुल्ली कार बनकर रेडी नहीं हुई, तो ऐसे में आप उसे ये नहीं कह सकते वो फिनिश गुड्स है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो रॉ मटेरियल है, उसमें आप बोलेंगे उसको WIP, और जब कस्टमर के यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा उसको बोलेंगे आप फिनिश गुड्स, ठीक है। तो आपको गुड्स के तीन टाइप्स पता चल गए। पहला है रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल जो कस्टमर के यूज़ के लिए तैयार नहीं है। दूसरा WIP, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग चालू है, कुछ बनाया जा रहा है। एंड थर्ड स्टेज में क्या होगा, वह सामान कस्टमर के इस्तेमाल के लिए तैयार है। ऐसे सर्विसेज का भी व्यापार होता है, कई सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो गुड्स में डील नहीं करती बल्कि उनकी जगह पर अपनी सेवाएं देती हैं और उन सेवाओं के बदले ही वो पैसे लेती है, ठीक है। ये सेवाएं उनके लिए गुड्स का ही काम करता है। वह जितनी ज़्यादा अपनी सर्विसेज देती हैं उतनी ज़्यादा उन फर्म की इनकम बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए टीचर को लीजिए, टीचर भी पैसा लेता है लेकिन वो आपको कोई सामान नहीं देता, उसके बदले वो आपको सर्विस देता है, तो वो सर्विस का व्यापार हो गया। ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी करता है। अब हम गुड्स की बात करते थे, आप एक गुड्स को लेकर दो वर्ड्स हैं, पहला है परचेज और दूसरा है सेल। कहते जब भी आप गुड्स खरीदने जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे हमने गुड्स खरीदा है, आप सिर्फ इतना कहेंगे मैंने आज परचेज किया है। यानी जब भी परचेज वर्ड आएगा तो परचेज का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्डिंग खरीद रहा था, परचेज का मतलब ये नहीं कि मैं फर्नीचर खरीद रहा था। जो मेन फर्म है आपकी, आपने उस मेन फर्म का जो भी सामान था वो खरीदा, उसको हम परचेज कहते हैं। तो यानी शॉर्टकट में ये बोल देते हैं कि आज हमने परचेज किया है, ठीक है, आज हमने परचेज किया है। किसका मतलब, हमने अपने सामान का परचेज किया है। और जब वही सामान आप बेचेंगे तो उसको आप सेल कहेंगे। ध्यान रखिए, अगर एंट्री में ये बोल दिया जाए फर्म ने 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, तो वहाँ पे आप टू में गुड्स नहीं लगाते, जगह पे आप टू सेल्स लगाते हैं। सेल्स मतलब बेचना, बेचना क्या, मेन सामान, ठीक है। बाकी अगर बिल्डिंग बेचने की बात आएगी तो हम टू बिल्डिंग अकाउंट लगाएंगे, लेकिन जब भी बात गुड्स बेचने की आएगी तो हम टू सेल्स कहेंगे, ना कि उसकी जगह पे हम टू गुड्स कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा गुड्स को लेकर के जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो वर्ड मेन है वो एक है परचेज और दूसरा है सेल। जब भी गुड्स को खरीदेंगे आप उसे परचेज कह के बुलाएंगे, और जब भी गुड्स को बेचेंगे आप उसे सेल कह के बुलाएंगे। जब आप गुड्स को खरीदेंगे, बेसिकली मैंने बताया आपको इसको परचेज कहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप उधार सामान खरीद लीजिए, इसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं, और आप नगद सामान खरीद लीजिए,
इसको हम कैश परचेस कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि मान लीजिए मुझे कैश परचेस करना है, मैंने सामने वाले पार्टी से सामान खरीदा, गुड्स खरीदा और मैंने उसको तुरंत पेमेंट कर दिया, इसको हम बोलते हैं कैश परचेस। अगर हमें कैश परचेस की एंट्री को पास करना है टैली प्राइम में, तो वो हम कैसे पास करेंगे विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इन कैश परचेस की एंट्री को पास करने के लिए मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एक क्रेडिट परचेज और एक कैश परचेज दोनों करके दिखाऊंगा, आपको दोनों में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे क्या फर्क होते हैं। तो जीएसटी सेटिंग्स मैं पहले से कर चुका हूँ, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के यहाँ पे मैं अल्टर पे जाऊँगा और अल्टर पे जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंने जो किया हुआ है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को रेगुलर रखते हुए ये डिटेल्स भरी थी और बहुत ज़्यादा नहीं किया है। इसके अलावा मैं स्केप करके जाऊँगा, यहाँ से जीएसटी क्लासिफिकेशन भी मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। ये आप कहाँ पे बनाएंगे, आप अगर आप चाहें तो यहीं से बना सकते हैं क्रिएट पे क्लिक करके, अदरवाइज यहीं से आप F11 करेंगे, कंपनी पे जाएंगे और कंपनी के जाने के बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन साइड में देखते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए, जैसे नीचे वाला ऑप्शन है आप इसको यस करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा आपने इस क्लासिफिकेशन को बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से सेटिंग करते चले जाइए। इस पे ऑलरेडी मैं बार बार वीडियोस बना के आपको बताता रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। आइटम्स भी मैंने प्रॉपरली क्रिएट कर लिए हैं, आइटम बनाना मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से आइटम में दिखाऊँ तो आप एक बार देख लीजिए, स्टॉक आइटम में यहाँ पे आइटम हमारे पास पड़े हुए हैं विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स के साथ। इंटर करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी सेटिंग्स आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी अगर आपने बाहर ही सेटिंग करके रखी हुई है तो, अदरवाइज आपको अंदर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ जरूरी रिजल्ट थे वो भी हमने बना लिए हैं, जिसमें CGST है, SGST, IGST। COS कब लगता है, जब हमारा सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, खरीदने वाला हमारे ही स्टेट का है, तो जब हम उसको माल बेचेंगे तो हम उसके बिल में COS डालेंगे, अगर हमारे स्टेट से का नहीं है, दूसरे स्टेट का है तो हम वहाँ पे I डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक रमन क्रिएटर नाम का व्यक्ति है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश का ही है और हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की ही है। तो अगर हम रमन के साथ कोई भी लेन देन करेंगे तो COS के दायरे में आएगा, ना कि IGST के दायरे में आएगा। चलिए हम रमन के साथ कैश परचेस करते हैं, पहले हम क्रेडिट परचेस करते हैं फिर हम कैश परचेस करते हैं, देखते हैं क्या फर्क है दोनों में। एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूँ पहले से, ताकि कन्फ्यूजन्स ना है। तो यहाँ से मैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर जाके ये दिखा रहा हूँ कि हमारा किसके साथ लेन देन बाकी है। अभी मैं पेबल्स में जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है रमन क्रेडिटर के साथ हमारा 21,33,027 रुपये का लेन देन बाकी है। अब वो क्यों बाकी है, चूँकि हमने सामान खरीदा था पहले, तो अभी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ जो पहले की एंट्री पड़ी हुई है हमारी 21,00,000 रुपये की। तो मैं यहाँ से रमन क्रेडिटर की 21,00,000 की एंट्री पड़ी हुई है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये जो भी एंट्रियाँ पड़ी हुई हैं फिलहाल के मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप चीज़ों को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए अब अगर मैं आपको एक बार फिर से बाहर जाके दिखाता हूँ, मैं ऑल जी करता हूँ और यहाँ से मैं बिल्स पेबल करूँगा। बिल्स पेबल में आकर हम ये देखते हैं कि हमें किस पार्टी को कितना पैसा देना है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, किसी पार्टी को कोई पैसा नहीं देना, हमने सारी एंट्री डिलीट कर दी तो देना कहाँ से होगा। अब हम कैश परचेस देखेंगे करके और क्रेडिट परचेस करके देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको कैश परचेस करके दिखाता हूँ या पहले मैं आपको क्रेडिट परचेस करके दिखाता हूँ। मैं वाउचर पे जाऊँगा और मुझे माल खरीदना है तो मैं यहाँ से परचेस पे चला जाऊँगा, ठीक है। सप्लाई इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से उस पार्टी को डालना है जिसको खरीदना है, अगर आप क्रेडिट परचेस करें तो। मैं स्किप करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अगर आपकी पार्टी को आपने पेमेंट नहीं दिया है तो फिर आपको उस पार्टी का नाम डालना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेस। मैंने यहाँ पर रमन डाल दिया। अब आप सोचेंगे सर नाम डालना ही डालना है कंपलसरी, मैं आपको अभी बताता हूँ कैश परचेस में क्या होगा। आप इतना करके आगे बढ़ जाइए, अब जो भी आपका सेल था, मान लीजिए मैं गैलेक्सी F62 बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ सॉरी 5 पीस और रेट हमें पड़ा है 12,599 रुपये, ये ज़्यादा महंगा हो गया, 12,599 इतना। अब एक बार एंटर प्रेस करूँगा CGST और SGST, ध्यान रखिए सी और एस ही लगेगा, आई लगेगा नहीं, आप चेक करके देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको बिलीव ना हो, क्योंकि अगर आप IGST लगाएंगे तो कैलकुलेट नहीं होगा। IGST तब कैलकुलेट होता है जब अदर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, देखिए आप यह कैलकुलेट नहीं हुआ है,
तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सी ही सिलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल ए करके सेव करके दिखाऊंगा आपको तो क्या फ़र्क आएगा। हाँ, माल तो आपके पास आ गया है। अगर आप यहाँ से स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो 62,995 रुपये का माल पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे सीन ये आएगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है, आपने लोगों से कर्ज ले रखा है और ये कर्ज आपको पटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहीं से बैक जाके दिखाऊंगा और यहाँ से मैं ऑल्ट एन जी करता हूँ और अगर मैं बिल्स पेबल टाइप करूंगा तो अब यहाँ पे देखिए आपको 74,334 रुपये का आपको पेमेंट करना बाकी है, क्योंकि आपने 5 पीसेस F41 खरीदे हैं 12,599 रुपये रेट के हिसाब से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अभी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा इनका, मैं वाउचर पे जाऊंगा और पेमेंट वाउचर पे जाके मैं इनको पेमेंट करूंगा। ठीक है, मैं पेमेंट वाउचर पे गया और मुझे रोहन क्रेडिटर को पेमेंट करना है 74,334 रुपये। पेमेंट आप किसी भी रूप में करें, मैं यहाँ से कैश में पेमेंट कर देता हूँ। चलिए वो बात हो रही, मेरे पास कैश तो है नहीं लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे जाके, मैं यहाँ पे ऑल्ट एन जी करूँगा और फिर से बिल्स पेबल दिखाऊंगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये बच गया है, शायद मैंने कुछ कम पेमेंट किया है। हाँ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, पेमेंट मैंने कुछ कम कर दिया गया। देना था 74,000 रुपये और हमने दिया है 72,000 रुपये। ठीक है, तो मैं एक बार सुबह से दोबारा चेक करूँगा, परचेज कितने की थी, 74,334 रुपये की थी, हमने 72,334 रुपये दे दिए। कोई बात नहीं, जितना देना है पूरा दे दीजिए, 74,334 रुपये। एक बार स्केप करके दोबारा डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि चीज़ें थोड़ा, मैं बार बार डालूंगा तो ऐसे थोड़ा मुझे रेफरेंस नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। अभी मैं दोबारा से पेमेंट करता हूँ, वाउचर पे गया, यहाँ से मैंने क्रेडिटर को सेलेक्ट किया, 74,334 रुपये .10। ठीक है, अगले रेफरेंस पे जाऊँगा और यहाँ से सीधे मैं कैश सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊँगा। अब आपका बिल्स पेबल में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ऑल जी देख लीजिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल की जगह पे, आप क्रेडिट परचेज की जगह पे डायरेक्टली कैश परचेज करते तो ये सब नहीं होता। दो स्टेप हुए आपके, पहले स्टेप में क्या गया, आपने सामान उधार खरीदा, दूसरे स्टेप में क्या गया, आपने पेमेंट करा। लेकिन अगर हम कैश परचेज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं कैश परचेज करता तो कैसा करता, रोहन के साथ ही, इन्हीं पार्टी के साथ में। तो यहाँ से मुझे कैश परचेज में अगर पेमेंट हमने सामने वाले को दे दिया है, पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वाउचर परचेज 103, और अगर हमने सामने वाले को पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट किया या बैंक में पेमेंट किया। कैश में पेमेंट किया तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अगली स्क्रीन पे तो आपको पार्टी का नाम ही डालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रोहन के से माल खरीदा है तो आपको रोहन ही डालना है। ठीक है, बट पहली स्क्रीन पे अगर पेमेंट कर दिया था तो पेमेंट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से परचेस, अब वही चीज़ मुझे जो भी खरीदना है, मुझे गैलेक्सी F41 खरीदना है तो मैं F41 ही खरीदूंगा, 5 पीस। रेट पड़ गया है, इंटर प्रेस करते जाइए, एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए, CGST ये रहा आपका और SGST ये रहा आपका। तो देखा बस फर्क इतना आया है कैश परचेज में, यहाँ पे जहाँ पहले पार्टी का नाम आता था और पार्टी का नाम आने की वजह से बिल्स पेबल में दिखता था कि नहीं पेमेंट करना है, लेकिन अभी हमने कैश डाला है। देखते हैं, मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको कंट्रोल। अब मैं यहाँ से ऑल्ट जी करता हूँ और अब मैं फिर से जाके बिल्स पेबल चेक करता हूँ। आप देखिए, फिर भी यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस वाली एंट्री में क्या हुआ है, जिसमें कैश आपने परचेज किया है, आपने साथ में पेमेंट भी दिखा दिया। अब आप सोचेंगे, सर जो बिल प्रिंट कराऊंगा तो क्या उसमें कैश लिख के आएगा? मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो हमने कैश परचेज किया। देखिए, ये था बिल आपका, ऑल्ट पी कर दीजिए या ऑल्ट आप कंट्रोल पी भी कर सकते हैं, करंट पे जाइए और यहाँ से मैं प्रीव्यू पे जाके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, फिर भी रमन क्रिएटर का नाम आया है। ठीक है, रमन क्रिएटर से ही आपने सामान खरीदा, देख लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कैश आएगा, वो स्टार्टिंग पोर्शन पे डालेंगे तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेगा आपके। होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर हमें टैली प्राइम में कैश परचेज कंटीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।